हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे प्रेत का बयान, जिसके रचनाकार है नागार्जुन। यह कविता परा मनोविज्ञान पर आधारित है। परा मनोविज्ञान क्या होता है? देखिए, परा और अपरा दो शब्द है। परा मतलब यह लोक छोड़कर जब हम अलौकिक दुनिया में जाते हैं, जो कहते हैं ना स्वर्ग ऐसा कुछ, तो वो होता है परा। अपरा मतलब यहां 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 जो लोक है, ये जो दुनिया है, यहां रहना। अपरा, परा मतलब ऊपर। तो यहां पर परा मनोविज्ञान पर आधारित है, मतलब मरने के बाद यहां पर एक शिक्षक है, वहां प्रेत बन जाता है, आत्मा बन जाता है, प्रेत बन जाता है। ऊपर यमराज के पास जब जाता है, तब यमराज के साथ उनकी जो वार्तालाप होती है, वह जो मरा हुआ शिक्षक है, उसका जो प्रेत है, उसकी जो आत्मा है वह, और यहां जो यमराज है, इन दोनों के अंदर जो वार्तालाप होती है, इसके द्वारा नागार्जुन जी क्या कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं कि एक शिक्षक का जीवन किस तरह का जीवन है, उसके जीवन में कितने कठिनाइयां है, क्या क्या व्यवस्था है, कितने उसे दुख तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो वह बताने का प्रयत्न नागार्जुन कर रहे हैं, मगर वह व्यंग के रूप में कर रहे हैं, व्यंग। तो मजाक उड़ाते हुए, व्यंग करते हुए वह बता रहे हैं कि वह शिक्षक की क्या दशा थी। तो चलिए देखते हैं प्रेत का बयान। तो एक शिक्षक है, वह मर चुके हैं, वह जब ऊपर यमराज के पास जाते हैं तो यमराज के साथ वार्तालाप हो रही है। तो देखिए, ओ रे प्रेत, कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज। तो वहां यमराज क्या कहते हैं, ओ प्रेत, ओ आत्मा, कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज। तो उसे पूछते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, सच सच बतला कैसे मरा तू। उस मास्टर की जो आत्मा है, उस शिक्षक की जो आत्मा है, उसे पूछ रहे हैं, कैसे मरा तू, भूख से, अकाल से, प्रश्नार्थक चिन्ह है, देखिए, कैसे मरा तू, भूख से मरा या अकाल से मरा। देखिए, भूख आपको समझ में आती है, भूख लगने से, खाना न खाने से हालत खराब होकर मर जाना, या अकाल से मरा तू। अकाल मतलब बारिश न होने के कारण जो सूखा पड़ता है ना, सूखा पड़ने से पूरा अनाज ही पैदा नहीं होता, सूखा पड़ने से तब जो मृत्यु होती है उसे कहते हैं अकाल। तो तू भूख से मरा या अकाल से मरा, बुखार काला जार से मरा, और एक प्रश्नार्थक चिन्ह है, बुखार या काला जार से मरा। बुखार आप सबको पता है, फीवर को कहते हैं, फीवर को बुखार कहते हैं। तो काला जार से मरा क्या? काला जार भी क्या है, ये बुखार का ही एक अलग टाइप है, जो बहुत बुखार आकर चेहरे पर अलग अलग दाने आ जाते हैं, काला गिर जाता है, उसे अंग्रेजी में ब्लैक फीवर कहते हैं, या तू इससे मरा। तो ये बीमारी पहले हुआ करती थी, अभी इसके लिए सब वैक्सीन आ गए हैं, तो ये बीमारी से अब मरना बहुत कम हो गया है। तो कैसे मरा तू, भूख से मरा, भूख से मरा या अकाल से मरा या बुखार काला जार से मरा, पेचिस बदहजमी प्लेग महामारी से। अभी यमराज पूछ रहे हैं, पेचिस बदहजमी से मरे या प्लेग महामारी से मरे, प्रश्नार्थक चिन्ह है, देखिए यमराज ही कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। पेचिस बदहजमी, पेचिस बदहजमी क्या है? यहां आंतों में घाव या पेट में ऐंठन। पेचिस बदहजमी मतलब ये जो हमारा इंटेस्टाइन है ना, वहां के अंदर घाव हो जाना, वहां पर कुछ बीमारी हो जाना, घाव हो जाना, उसके अंदर मरोड़ ऐंठन आने के कारण पेट पकड़ पकड़ कर आदमी पांव पटक पटक कर जब मरता है, उसे कहते हैं पेचिस बदहजमी, या तू प्लेग महामारी से मरा। प्लेग जो बहुत महामारी बड़ी आई थी, जिस तरह कोरोना अभी आके गया है ना, वैसे ही प्लेग एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, या उस तरह मरा तू। इस तरह यमराज पूछ रहे हैं, कैसे मरा तू, सच सच बतला। देखिए, कैसे मरा तू, सच सच बतला, इस तरह यमराज उस मास्टर को पूछ रहे हैं। तब मास्टर की जो आत्मा है, जो प्रेत है, तो वो कैसे, वो देखिए किस तरह उत्तर दे रहे, बता रहे हैं, खर 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 हर 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 कापा कुछ हारों का मानवीय ढांचा। तो ये प्रेत है, ये प्रेत है, ये जो हड्डियों का ढांचा है, स्केलेटन जो अंग्रेजी में कहते हैं, मानवीय ढांचा, स्केलेटन। तो ये कैसे है, कैसे कांप रहा है, खर 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 हर 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 कुछ कापा कुछ हाड़ों का मानवीय ढांचा। हाड़ों का मानवीय ढांचा है, देखिए हाड़ों का मानवीय ढांचा, डरते हुए यमराज के सामने उत्तर दे रहा है, वो देखेंगे ढांचा। नचाकर लंबे चमचों सा पंच गुरा हाथ, रूखी पतली किट किट आवाज में प्रेत ने जवाब दिया। नचाकर, तो उसके हाथ कैसे हैं, चमचों के जैसे
पतले पांच उंगलियों वाले, पांच हाड़ियों हाड़ होते हैं ना यहाँ उंगलियों में हड्डियां, तो उस तरह देखो, नचाकर लंबे चमचो, लंबे चमचे के जैसे जो दिखते हैं सा पंचगुरा हाथ, पंचगुरा हाथ पांच हड्डियों वाला जो हाथ है पंचगुरा हाथ, रूखी पतली किटकिट आवाज में प्रेत ने जवाब दिया। प्रेत बोल रहा यमराज महाराज, इस तरह रूखी पतली किटकिट आवाज में प्रेत ने जवाब दिया। अब देखेंगे जवाब क्या दिया, देखिए महाराज सच सच कहूंगा, वो प्रेत कह रहा है महाराज सच सच कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, नागरिक है हम स्वाधीन भारत के, पूर्णिया जिला है सूबा बिहार के, सीवान पर थाना धमदाहा बस्ती उपवली जाति का कायस्थ। तो वह प्रेत, वह आत्मा जवाब दे रही है कि मैं कौन हूं क्या हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा सच बोलूंगा, सच सच कहूंगा झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कहां का वासी हूं, नागरिक कहां का हूं, स्वाधीन भारत का, देखो मैं स्वतंत्र भारत का, स्वाधीन भारत अर्थात स्वतंत्र इंडिपेंडेंट भारत का मैं एक नागरिक हूं। तो यहां पर व्यंग किया जा रहा है, नागार्जुन यहां व्यंग कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत का नागरिक भी कैसे मर रहा है, आगे वो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह भूख से मरा, पेचिस से मरा, कैसे मरा। तो स्वतंत्र भारत होने के बाद वहां का एक टीचर, आम आदमी नहीं है, सरकारी कर्मचारी टीचर किस तरह मरा उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए झूठ नहीं बोलूंगा, नागरिक है हम स्वाधीन भारत के, ये तो व्यंग के रूप में चोट किया गया है, स्वाधीन भारत इंडिपेंडेंट भारत का हूँ, पूर्णिया जिला है मेरी जो डिस्ट्रिक्ट है, पूर्णिया जिला है, वो प्रेत पूरा एड्रेस दे रहा है, देखिए पूर्णिया जिला है सूबा बिहार, देखो सूबा अर्थात राज्य या प्रांत प्रदेश भी कह सकते हैं, सूबा राज्य बिहार के सीवान पर, सीवान मतलब प्रेसिडेंसी, वहां का जो प्रेसिडेंसी है जो सीमा है वहां का थाना धमदाह, जो पुलिस स्टेशन आता है वहां का जो थाना है धमदाह बस्ती रूपवली, रूपवली बस्ती क्या है उनकी, रूपवली नामक बस्ती से हूं मैं, जाति का कायस्थ था, मेरी जाति कौन सी है, कायस्थ जाति वाला हूं मैं, उम्र कुछ अधिक 55 साल की, मैं 55 साल के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हूं, 56 हो सकता है, 55.5 हो सकता है, तो मैं 55 साल का उम्र का आदमी हूं, पेशे से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था, मैं तो मर गया हूं ना, तो मैं मतलब मैंने भाई यहां पर कौन है, वो प्रेत, प्रेत बता रहा है प्रेत का बयान, तो प्रेत बोल रहा है पेशे से क्या था मैं, पेशा, पेशा मीन्स प्रोफेशन, व्यवसाय, व्यवसाय या प्रोफेशन से क्या हूं, पेशा से क्या हूं मैं, प्राइमरी स्कूल का मास्टर था, बोल रहा है प्रेत। तनख्वाह थी 30 रुपया, सो भी नहीं मिली, मिली है क्या 30 रुपए, नहीं मिली, मुश्किल से काटे हैं एक नहीं दो नहीं 9-9 महीने, तनख्वाह इन्हें 9-9 महीने तक नहीं मिलती थी, तो मुश्किल से हमने वैसे ही दिन काटे हैं, इस तरह वो शिक्षक का प्रेत बता रहा है कि 30 रुपीज जो तनख्वाह थी वह भी 9-9 महीने तक मुझे नहीं मिली, घरनी थी माँ थी बच्चे थे 4, देखिए घरनी जो घर को चलाती है उसे कहते हैं घरनी अर्थात वाइफ, वाइफ थी माँ थी, वो शिक्षक की क्या थी, माँ थी, बच्चे थे 4, कितने बच्चे थे देखिए यहां पर 4 लिखा है, 4 बच्चे थे 4, आ चुके हैं वे भी दया सागर करुणा के अवतार आप ही की छाया में। देखिए यहां क्या कहते हैं, वह टीचर प्रेत बनकर कि दया सागर आप ही की छाया में मेरी पत्नी मेरी माँ मेरे 4 बच्चे वो भी मर चुके हैं, आप ही की छाया में आए हैं, इसका तात्पर्य होता है वह भी गुजर चुके हैं मर चुके हैं, आप ही के पास आप ही की छाया में वह आए हैं, मैं ही बाकी क्योंकि कर्मों की पत्तियां अभी कुछ शेष थी हमारे अपने पुश्तैनी पोखर में, मनोबल शेष था सूखे शरीर में, मैं ही अकेला ही बाकी था, मेरी माँ मेरी बीवी मेरे 4 बच्चे सारे गुजर गए थे, कहकर यह प्रेत यमराज को बता रहा है कि वो चारों मरकर आप ही के पास आप ही के छत्र छाया में वहाँ आए हैं, मैं ही बाकी था, शायद मेरे कुछ कर्म बाकी थे मेरे, क्योंकि कर्मों की कुछ पत्तियां, जिस तरह पेड़ के ऊपर कुछ पत्तियां होते हैं ना, वह पेड़ पूरा सूखने से पहले कुछ पत्तियां होते हैं, पेड़ पूरा सूखना या पेड़ के पत्तियां गिरने से पहले, उसी तरह कुछ पत्तियां अर्थात कुछ दिन मेरे ही बाकी थे, अभी कुछ शेष थी, शेष अर्थात बाकी थे, शेष थी हमारे अपने पुश्तैनी पोखर में, हमारे अपने पुश्तैनी पोखर में, पुश्तैनी वांशिक, देखिए वंशानुगत,
वांशिक या वंशानुगत जो हमारा पोखर है, पोखर अर्थात तालाब, उस तालाब के अंदर जब पेड़ के पत्ते एक 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 गिरते हैं, कुछ उस तालाब में थोड़े पत्तियां, पेड़ के पत्तियां अभी बाकी थे शायद, तो इसीलिए मैं ही बाकी था। अब मेरे मनोबल, देखो मनोबल शेष था सूखे शरीर में, मनोबल, मनोबल अर्थात थोड़ा शक्ति, जो शक्ति थी, जो मनोबल था, थोड़ा मुझमें शेष था शायद, मैं ही बर्दाश्त ज़्यादा कर सका, इसीलिए मैं अभी तक वहाँ पर जिंदा था। अब मैं भी मरकर प्रेत बनकर आपके पास आया हूँ इस सूखे शरीर में। वहाँ जो सूखा शरीर है, थोड़ा शक्ति थी शायद, बर्दाश्त करने की शक्ति कैपेसिटी ज़्यादा थी, इसीलिए मैं अब तक शेष था। अब मैं भी मर चुका हूँ, मैं भी आप ही के पास आया हूँ। इस तरह वहाँ प्रेत, वहाँ टीचर किसे कह रहा है? यमराज को कह रहा है। आगे देखिए, अरे वाह, भगाकर हंस पड़ा नरक का राजा, दमक उठी झालरे कंपमान सिर के मुकुट की। अरे वाह, दमक कर हंस पड़ा नरक का राजा। कौन है नरक का राजा? यमराज। यस, यमराज क्या है? नरक के राजा है। अरे वाह, भभाकर, भभाकर अर्थात जोर से, इस तरह वह जोर से हंस कर कहते हैं, क्या है? दमक उठी झालरे कंपमान सिर के मुकुट की। उनके ऊपर जो सिर के ऊपर जो मुकुट है, तो वहां पर झालरे, वो जो डिजाइनिंग है, थोड़ा उसके ऊपर चमक आ गई। वहां जब हंस रहे थे तो वहां चमक आ गई, कंपमान सिर के मुकुट की। कंपमान है मतलब हिलने लगा मुकुट, तो सूरज की रोशनी गिरने से जैसा कोई भी चमकने वाली चीज चमकती है ना थोड़ा इधर उधर टटोलने के बाद, तो उसी तरह वहां पर क्या है, उनका मुकुट कंपमान होकर सिर के मुकुट के ऊपर की क्या है, वहां दमक उठे अर्थात चमक उठे। फर्श पर ठोक कर सुनहरा लौह दंड, उनके हाथ में क्या है, यमराज के, यमराज का वर्णन कर रहे हैं प्रेत। देखिए, फर्श पर, जमीन पर ठोक कर सुनहरा लौह दंड, सुनहरा लौह दंड, या आप गदा कहिए या लोह दंड कहिए, तो वहां सुनहरा गोल्डन का है, गोल्ड का है, यमराज है, बहुत पैसे वाले आदमी है, कुबेर पुबेर सब, वो सब भाई बंधु है। तो वह लोह दंड क्या है, वह जमीन पर पटक कर ठोक कर कहते हैं, अविश्वास की हंसी हंसा दंड पानी महाकाल। अविश्वास की हंसी, अविश्वास की हंसी, अंदर से नहीं आ रही हंसी, अविश्वास मतलब जबरन जब हंसते हैं, इस तरह कहकर वहां हंसी हंसा दंड पानी। देखिए, दंड पानी अर्थात जो दंड देने वाले हैं, मरने के बाद स्वर्ग में हो या नरक में हो, खास करके नरक में ही होता है, नरक में हमें दंड देने वाले कौन है? दंड पानी। तो यमराज है, तो जिसके हाथ में दंड है, तो वह दंड पानी कौन है? यमराज, या महाकाल भी हम कह सकते हैं। तो अविश्वास की हंसी, जबरन हंसी, एक हंसकर दंड पानी क्या करते, बड़े अच्छे मास्टर हो, क्या कहते हैं, देखे यमराज, बड़े अच्छे मास्टर हो, आए हो मुझको भी पढ़ाने, मैं भी बच्चा हूं, वाह भाई वाह। तो यमराज कह रहे हैं, क्या कहते हैं, बड़े अच्छे मास्टर हो, आए हो मुझको भी पढ़ाने, मैं भी बच्चा हूं, अरे भाई वाह भाई वाह। तो तुम भूख से नहीं मरे? फिर यमराज प्रश्न क्या कर रहे, तुम भूख से नहीं मरे? अब गुस्सा आता है, एक तरह से हमारे मास्टर साहब जो प्रेत है उन्हें गुस्सा आता है, वो किस तरह जवाब देते हैं देखिए। हद से ज्यादा डालकर जोर होकर कठोर, हद से ज्यादा डालकर जोर, देखिए तो बात कहने के लिए उतनी शक्ति नहीं है इस प्रेत के अंदर, फिर भी ज्यादा कोशिश करके, ताकत लगाकर, जोर लगाकर क्या कर रहे हैं देखिए, होकर कठोर, कठोर मतलब मीठे, आराम से, अच्छे से नहीं, कठोर होकर, थोड़ा सख्त होकर क्या जवाब दे रहे हैं देखिए प्रेत। फिर बोला ये प्रेत क्या बोलता है देखिए, प्रेत फिर बोला, अचरज की बात है, यकीन नहीं करते आप क्यों मेरा, जोर लगाकर बोल रहे, अचरज की बात है, आश्चर्य की बात है, यकीन क्यों नहीं करते आप मेरा, विश्वास क्यों नहीं करते आप मेरा, कीजिए न कीजिए न आप चाहे विश्वास, साक्षी है धरती साक्षी है आकाश, और भले नाना प्रकार की व्याधियां हो भारत में, किंतु उठाकर दोनों बाह किटकिट करने लगा प्रेत। देखिए क्या है, बहुत जोर डालकर वहां प्रेत कहता है, आप मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे, आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे, हाँ अचरज की बात है, आश्चर्य की बात है, आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे, मैं खुद मर गया हूं तो मैं खुद ही बता रहा हूं। इस तरह वहां प्रेत कहता है, यकीन कीजिए या न कीजिए आप कीजिए या न कीजिए, मुझ पर चाहे विश्वास करिए या मत कीजिए, साक्षी है धरती साक्षी है आकाश, यह धरती साक्षी थी और साक्षी क्या है, यह आकाश है, और भले नाना प्रकार की व्याधियां हो भारत में, भारत के अंदर बहुत सारे व्याधियां हो सकते हैं, व्याधियों का अर्थ होता है बीमारियां,
व्याधियां, बहुत सारे हमारे भारत में व्याधियां हो सकती हैं, किंतु किंतु उठाकर दोनों बाह किटकिट करने लगा प्रेत, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर, दोनों बाहों को ऊपर उठाकर प्रेत किटकिट करने लगा, अर्थात और कुछ कह रहा है कि भारत में बहुत सारे व्याधियां बीमारियां हो सकते हैं, लेकिन भूख की बात मत कीजिए, भूख से मरा हूं मत कहिए, इस तरह वह कहता है। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे, अर्थात यहां कवि नागार्जुन व्यंग कर रहे हैं कि भूख की बात से हम भूख की वजह से नहीं मरा मैं, इस तरह मास्टर कह रहे हैं गुस्से में, कठोर होकर, सख्त होकर। देखिए किट किट करते हुए क्या कहता है प्रेत, किंतु भूख या क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको। भूख या क्षुधा, भूख अर्थात क्षुधा, क्षुधा अर्थात भूख, मतलब भूखे प्यासे रहकर हम नहीं मरे हैं, उस तरह का कोई नाम जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको। बीमारियों से मर सकते हैं भारत में, भूख से कोई नहीं मरेगा, इस तरह वहां पर प्रेत कह रहा है, अर्थात नागार्जुन कह रहे हैं, लिखने वाले लेखक या कवि कह रहे हैं कि भूख नहीं, भूख से नहीं। आप सोच के देखिए, ये कविता बहुत पुरानी है, तो उस समय से लेकर आज तक भी भारत देश में कई गरीब लोग ऐसे हैं, केवल खाना न मिलने के कारण, भूख के कारण पेट में तकलीफ ले लेकर तड़प तड़प कर मरते हैं। तो उसी बात को यहाँ बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, मगर व्यंग में, कि कवि क्या कहते हैं प्रेत के द्वारा, प्रेत के मुखांतर कहते हैं कि भूख या क्षुधा का नाम मत लीजिए, नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको। भूख किसे कहते हैं, पता ही नहीं हमको, सावधान महाराज, नाम नहीं लीजिएगा किसका, भूख का, हमारे समक्ष फिर कभी भूख का, हमारे सामने, हमारे समक्ष अर्थात हमारे सामने कभी भूख का नाम मत लीजिए, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत है, इंडिपेंडेंट भारत है, स्वाधीन भारत है। यहां व्यंग कर रहे हैं कवि कि देखिए, स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारत की ऐसी दुर्दशा है गरीब लोगों की कि वहां पर लोगों को खाना मिले बगैर मर रहे हैं। तो वही कहते हैं, हमारे समक्ष फिर कभी भूख का, निकल गया भाप आवेग का, भाप आवेग, जो जो जोश था उस प्रेत के अंदर वहां निकल गया, वहां आवेग अर्थात एक जोश निकल गया, या इंपल्स, एक जोश, एक उत्साह आया था यमराज के साथ बात करते हुए, तो वह निकल गया। तदनंतर शांत स्तंभित स्वर में प्रेत बोला, तदनंतर शांत होकर प्रेत वह क्या बोलता है, शांत होकर, स्तंभित होकर, एकदम ठहराव के साथ क्या बोलता है प्रेत, देखिए, जहां तक मेरा अपना संबंध है सुनिए महाराज, जहां तक मेरी बात है, मेरा अपना संबंध है सुनिए महाराज, मैं कैसे मरा, वो कहते हैं, तनिक भी पीर नहीं, तनिक भी पीर नहीं, पीर का अर्थात पीड़ा होना, कष्ट होना, तनिक भी, थोड़ी भी, जरा भी पीड़ा नहीं हुई, कष्ट नहीं हुआ, दुख नहीं, दुविधा नहीं, दुख भी नहीं हुआ, कष्ट नहीं हुआ, दुविधा नहीं, कोई उलझन नहीं, दुविधा अर्थात कोई उलझन नहीं, सरलता पूर्वक निकले थे प्राण, सरलता पूर्वक, बहुत इजी से, सिंपल वे से मेरे प्राण निकल गए थे, सह न सकी आंत जब पेचिस का हमला, सह न सकी आंत, जो पेट के अंदर इंटेस्टाइन है, आंत है, जो आंत है वो पेचिस का हमला सह नहीं सकी, पेचिस अर्थात भूख के कारण अंदर जो मरोड़ होने लगी पेट के अंदर आंतों में, वह बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसका हमला सह न सकी, और मैं मर गया, मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, कोई दुविधा नहीं, कोई उलझन नहीं, तकलीफ नहीं, दुख नहीं, मैं मर गया। किस तरह कह रहा है वहां प्रेत, व्यंग में है, यहां पर कवि क्या कर रहे हैं, व्यंग्य, यह याद होंगे आपको, व्यंग्य के रूप। सुनकर दहाड़ स्वाधीन भारतीय प्राइमरी स्कूल के, देखिए यहां यमराज ये सब बातें सुनने के बाद सुनकर दहाड़, ये जो कभी कभी गुस्सा भी कर रहा था ना, कौन, हमारा जो शिक्षक है, जो प्रेत है, सुनकर दहाड़ उसकी जो गर्जना है, वह चिल्लाकर कभी कभी गुस्से में बोला ना, तो स्वाधीन भारतीय प्राइमरी स्कूल के भुखमरे स्वाभिमानी सुशिक्षक प्रेत की रह गए निरुत्तर महामहिम नरकेश्वर, तो उसकी दहाड़ सुनकर किसकी, प्रेत की, उस प्रेत की, उस शिक्षक की, उस आत्मा की दहाड़ सुनकर क्या है, महामहिम नरकेश्वर भी निरुत्तर रह गए, निरुत्तर, कोई उत्तर नहीं उनके पास, शांत रह गए। और वहां प्रेत कैसा था, देखे, स्वाधीन भारतीय प्राइमरी स्कूल के, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वाधीन भारतीय प्राइमरी स्कूल के, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्वाधीन स्वतंत्र भारत के, मतलब वहां किस तरह की हालत रही होंगी, किस तरह का व्यंग किया जा रहा है, देखिए तो यहां पर हम देख सकते हैं, भुखमरे स्वाभिमानी, भुखमरे, भूख से मर रहा है मगर स्वाभिमान है, सेल्फ रेस्पेक्ट है उनके अंदर,
उस प्रेत के अंदर। स्वाभिमानी सुशिक्षक, सुशिक्षक अर्थात एजुकेटेड है कंप्लीटली। देखिए यहां पर एजुकेटेड प्रेत की रह गए निरुत्तर, उनके पास उत्तर नहीं है। किनके पास उत्तर नहीं है? यमराज जी के पास भी उत्तर नहीं है। किसकी बातें सुनकर? हमारे प्रेत प्राइमरी स्कूल टीचर की सुनकर। देखिए आगे, अब यमराज जी कहते हैं यहां पर, ये जो भी है पूरे पंक्तियां यमराज जी कह रहे हैं। कौन? यमराज। मां के पेट में था तभी इसका बाप भी झोंक दिया गया उसी आग में। देखिए मां के पेट में था, कौन था मां के पेट में? टीचर। वो जो प्रेत है वह प्रेत कहां था? मां के जब पेट में था तभी उनके पप्पा अर्थात ये जो प्रेत का बयान पूरी कविता है वहां भी जब बच्चा था तभी उनके फादर, तो मां के पेट में था तभी इसका बाप भी, इसका बाप भी यहां है देखिए बाप, किसका बाप? टीचर का बाप, वहां भी झोंक दिया गया उसी आग में। उसी आग में, किस आग में? भुखमरी के आग में, बिना खाना मिले हुए। यह भी इनका पिता भी कैसे मर गया? बिना खाना मिले, बिना भोजन मिले ही वह भी चल बसे, वह भी इसी आग में मर गया। बेचारी सुखिया जैसे तैसे पाल ही लेगी इसे, बेचारी सुखिया जैसे तैसे पाल ही लेगी। कौन बेचारी सुखिया? ये जो सुखिया है यह शिक्षक की क्या है? माँ है, शिक्षक की माँ। जब यह शिक्षक, यह जो प्रेत है जब पेट में था तभी उनके पप्पा उनके फादर वह भी गुजर गए, वह भी उनका भी क्या है? स्वर्गवास हो गया। कैसे? भूख के कारण, उसी आग में अर्थात भूख के कारण वह चल बसे। अब बेचारी सुखिया, उसका नाम है, माँ का नाम है, शिक्षक के माँ का नाम क्या है? सुखिया, जैसे तैसे पाल ही लेगी इसे, मैं तो इसे साल साल देख आया करूंगा। मैं तो इसे साल साल भर में क्या करूंगा? देख आया करूंगा, कहकर कौन कह रहे हैं यहां पर? यमराज के साथ जब इनके फादर मिले थे ना, किसके? प्रेत के जो फादर मिले थे वो यमराज से कहते थे देखिए मैं भी वैसा ही मर गया हूं, भूख से मैं मर गया हूं, मगर साल साल भर में जाऊंगा, जाकर किसे देख कर आऊंगा? अपनी बीवी को, सुखिया को देख कर आऊंगा, मेरा बच्चा जो है वो उसे भी देख कर आऊंगा, मैं तो इसे साल साल देख आया करूंगा, जब तक है चलने फिरने की ताकत चोले में। मरने के बाद भी, यमराज के बाद पहुंचने के बाद भी इस प्रेत के जो पिताजी है वो कहते हैं कि जब तक मुझमें यमराज जी मुझमें यहां प्राण है, मरने के बाद भी जहां वहां थोड़ी बहुत शक्ति मुझमें बची है, चोले में जब तक ताकत है, चोले में अर्थात उनके पास जो भी उनके जो भी उनका प्रेत है उनकी जो आत्मा है जितनी भी मेरे अंदर ताकत है, मैं जाकर क्या करूंगा? चलने फिरने के अंदर जब तक ताकत है मेरे चोले में, मैं जाकर किसे देखूंगा? जाकर अपने बीवी को, बच्चे को देख कर आया करूंगा, जब तक है चलने फिरने की ताकत चोले में। तो क्या आगे भी इस कलुए के लिए भेजते रहेंगे खर्चे गुरु महाराज? ये इंपॉर्टेंट है। देखिए तो क्या आगे भी इस कलुए के लिए, कलुआ यहां पर कलुआ कौन है पता है आपको? ये बच्चा कलुआ है। उनके पिताजी के लिए मतलब प्रेत का जो आज टीचर जो है प्रेत है उनके जो पिताजी है वो भी गुजर गए हैं, वो कहते हैं मरने के बाद भी यमराज के पास जाकर यमराज को कहा करते थे कि मैं भी क्या है अपने बेटे को कभी कभी जाकर देखकर आया करूंगा जब तक मेरे चोले में ताकत है। तो ये कहा करते थे। और क्या गुरु महाराज यहां जो उनके पिताजी है प्रेत के पिताजी या टीचर के पिताजी वहां गुरुओं को फॉलो करते थे? गुरु, धर्म गुरु, कोई भी एक गुरु हो, किसी भी धर्म का, इसलिए मैंने दोनों तीनों धर्म लगाए, मुस्लिम धर्म का भी है यहाँ पर, यहाँ क्रिश्चियन का भी है, हिंदू का भी कोई एक गुरु है तो सबको लगाया है मैंने यहाँ पर। तो ये गुरु को फॉलो करते थे क्या? तो क्या आगे भी इस कलवे के लिए भेजते रहेंगे खर्चे गुरु महाराज? ये तो चल बसे, गुरु को महाराज के पीछे चमचे के जैसे उनके पीछे ही भागा करते थे, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी कहकर वो चल बसे। तो चल बसने के बाद यमराज से बातें करते करते कह रहे हैं क्या मेरे बच्चा जो कलुआ है, अब बेटे को वो कलुआ कहते हैं, थोड़ा काले सावले रंग के थे हमारे प्रेत क्या हमारे टीचर साहब, तो उसे कहते हैं क्या मेरे बच्चे के लिए ये क्या आधे भी गुरु महाराज खर्चे के पैसे भेजेंगे? खर्चे के भेजेंगे क्या जी? नहीं भेजेंगे, ये जितने भी स्वामी लोग हैं, ये जितने भी मौलवी लोग हैं, ये जितने भी क्या है पादरी लोग हैं, जितने भी गुरु लोग हैं, ये सिर्फ अपना काम करने तक ही अपने शिष्यों के साथ अच्छे से रहते हैं। जैसे अपना काम खत्म, शिष्यों से मतलब खत्म, उनके परिवार से मतलब खत्म। तो देखिए तो भेजेंगे क्या खर्चा भेजेंगे गुरु महाराज? इस तरह यहाँ यमराज से पहले बात किया करते थे। कौन? हमारे प्रेत के फादर। इस तरह यमराज सब याद कर बता रहे क्या ऐसा इनका फादर था कहकर।
देखिए, बड़ा आया बुद्ध अपने छप्पर की तरफ नाचते रहे लेकिन माथे के अंदर गुरु महाराज के मुंह से निकले हुए कुछ शब्द बोलकर अब देखिए निकले हुए हथियारों के नाम और आकार प्रकार। तो जैसे ये पहले क्या मेरे गुरु महाराज मेरे बच्चों के लिए मेरी बीवी के लिए खर्चा देंगे इस तरह सोच रहे थे, तभी बड़ आया बुद्धू अपने छप्पर की तरफ। तो ये जो फादर है ये बुद्धू है, तो वो गुरु महाराज मेरे बच्चे को बेटे को देख लेंगे कहकर अपने छप्पर की तरफ अपने घर की तरफ वापिस बढ़ाए। बढ़ाए अर्थात छप्पर अर्थात घर या उधर निकल आया। आत्मा बनने के बाद भी वहां से निकलकर आ गए अपने छप्पर की तरफ नाचते रहे लेकिन उनके मस्तिष्क में उनके माथे में उनके मस्तिष्क में उनके माइंड में नाचते रहे गुरु महाराज के मुंह से निकले हुए हथियारों के नाम और आकार प्रकार। तो ये जो गुरु महाराज लोग हैं इनके मुंह से जब ये आत्मा बनकर ये फादर जा रहे थे उनके पास जाके वापिस अपने घर के तरफ बच्चे को देखने जा रहे थे तब आत्मा बनकर तब वहाँ गुरु महाराज के मुख से निकले हुए कुछ शब्द हैं हाँ कुछ उनके आकार प्रकार और कुछ नाम है। वह नाम क्या थे? हथियारों के नाम है। हथियार देखिए गुरु लोगों को हथियार से क्या काम है भाई, ये तो धार्मिक लोग हैं ना। मगर ये पूरे कविता का सार में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके मुख से निकले हुए हथियारों के नाम उनके आकार प्रकार। देखिए कुकरी, आपने देखा है कुकरी ऐसा कुछ आकार से रहती है। देखिए कुकरी, ये कुकरी, भाला, आपने भाला देखा होगा ऐसा भाला लंबा, गंडा सा, अभी तो एनिमल फिल्म में आया है ना गंडा सा, तो ये गंडा सा हो गया। बम तलवार, ये तलवार, तो बम हो तलवार हो खुकरी भाला गंडा सा बम तलवार, तलवार बम गंडा सा भाला खुकरी, इस तरह के शब्द इनके पिताजी किसके प्रेत के पिताजी ने अपने गुरु महाराजों के मुख से सुने थे। अर्थात ये लोग क्या करते हैं, गुरु महाराज लोग क्या करते हैं, अपने शिष्यों का सहारा लेकर उन्हें बेवकूफ़ बनाकर हमें आपस में धार्मिक दंगों में झोंक देते हैं। हिंदू को मुस्लिम से लड़ाते हैं, मुस्लिम को क्रिश्चियन से लड़ाते, क्रिश्चियन को फिर हिंदू से लड़ाते हैं। तो इस तरह के लोग हैं, कहने के लिए ही ये गुरु महाराज है, इस तरह के लोग हैं। इस तरह यमराज लोग क्या कह रहे हैं, याद कर कर अपने आप को वहाँ व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक प्रेत का जो बयान था, प्रेत जो बयान दे रहा है, बखान कर रहा है, बता रहा है, गवाही दे रहा है कि प्रेत ऐसा ऐसा मैं मरा, भारत देश में कोई भुखमरी नहीं है, ये वो कहकर आखिर में जो चार पंक्तियाँ हैं मतलब चार जो चरण चार जो लाइन है पंक्तियाँ उसमें बताया गया है कि यहाँ पर गुरु महाराज लोग कितने धोखाधड़ी देने वाले हैं सारे धर्म क्या, तो ये बताने का प्रयत्न किया गया है। और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए भी एक शिक्षक की स्थिति को यहाँ बताने का प्रयत्न किया गया है।